ज हाई वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ शाइनी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वाला लुक जो कि सरस्वती पूजा के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है सो so, मैं आज आप लोगों के साथ एक अफोर्डेबल बिगिनर फ्रेंडली स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ जो आप इस सरस्वती पूजा में इजीली कैरी कर सकते हैं सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने सारे एन के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक हैज़ टर्नड आउट इस लुक को क्रिएट करने के लिए आपको ज़्यादा मेकअप ब्रशेस की ज़रूरत नहीं है एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं सो so वही मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंने यहाँ पर एक हल्का सा स्मोकी काइंड ऑफ इफ़ेक्ट ऐड किया है क्योंकि मुझे वो साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है साड़ी बिंदी के साथ स्पेशली मेरे ब्लाउज़ में ब्लैक कलर है दैट्स व मैंने ये वाला स्मोकी लुक ट्राई आउट किया है जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है ये फुल स्मोकी आई लुक नहीं है जस्ट आपके काजल को आपको स्मच करना है जो आप इजिली दो मिनट के अंदर अचीव कर सकते हैं सो ये बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है काफी हेल्प होगी आप सबको इस वीडियो से सो मेक श्योर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स के लिए तो so सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश करना है एंड देन किसी भी मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना है मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है अपने फेस पर मैंने अपने फेस को प्रेप कर लिया है एंड फिर मैं करूँगी अपने फेस पर कलर करेक्शन तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने इस मेकअप लुक को बहुत ही ईजी तरीके से अचीव किया है एन वाई बे फाउंडेशन का मेरे पास यहाँ पर दो शेड्स है जिसमें एक बहुत ज़्यादा डार्क है मेरे स्किन टोन से और ये वाला परफेक्ट है मेरे स्किन टोन से सो तो यही फाउंडेशन मैं अप्लाई करूँगी लेकिन उससे पहले मैं करूँगी कलर करेक्शन जिसके लिए एन वाई बे जो कलर करेक्टर प्राइमर है मैं वो इस्तेमाल करूँगी येलो प्राइमर मैं इस्तेमाल करूँगी अपने अंडर आई एरिया पर बट अगर आपको हेवी डार्क सर्कल है तो आप ऑरेंज प्राइमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कलर करेक्शन के लिए मैंने अपने अंडर आइज़ और अपने पिगमेंटेड एरियाज़ पर ये येलो करेक्टर इस्तेमाल किया है जिससे कि फेस काफ़ी ब्राइटन हो जाएगी एट द सेम टाइम जो डार्कनेस uh, है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी ये जो कलर करेक्टिंग फ़ेस प्राइमर्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है और काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है ईज़िली आप इसे फिंगर की मदद से ब्लेंड कर सकते हैं मैंने यहाँ पर कोई मेकअप टूल इस्तेमाल नहीं किया है इसे ब्लेंड करने के लिए जस्ट टू शो कि ये कितना ज़्यादा क्रीमी है और कितने ईजीली ये ब्लेंड हो जाता है फिर मैंने ये ग्रीन कलर करेक्टिंग फेस प्राइमर लिया है जिससे मैंने अपने डार्क स्पॉट्स पर अप्लाई किया है तो जस्ट दो डार्क स्पॉट्स हैं मेरे स्किन पर पिंपल मार्क्स है तो उसके ऊपर मैंने ये वाला ग्रीन कलर करेक्टर अप्लाई किया है क्योंकि उससे आपका जो डार्कनेस है वो कैंसिल आउट हो जाता है एंड फिर उसके बाद मैं फ़ाउंडेशन अप्लाई करूँगी अपने होल फेस पर जब आप कलर करेक्शन करते हैं उसके बाद ना आपको कंसीलर अप्लाई करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मैं ये जो Uh, एनवाइबे ड्यू वी ड्रॉप्स लिक्विड फाउंडेशन है ये इस्तेमाल करूँगी ये जो फ़ाउंडेशन है ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एकदम लाइट वेट है स्किन पर ऐसा फील नहीं होता कि आपने कुछ अप्लाई किया है बट इसका कवरेज बहुत अच्छा है आई मस्ट से यू शूड ट्राई दिस वन अगर आपकी ऑयली या आपकी ड्राई स्किन है देन डेफ़िनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं ऑल स्किन टाइप्स के लिए परफेक्ट रहेगा बट अगर ड्राई स्किन है दैन डेफिनेटली आपको इससे अप्लाई करने से पहले एक हीवी मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ये एकदम मैट फिनिश देता है बहुत लाइट वेट है एंड यू कैन सी एकदम नेचुरल फिनिश है नेक्स्ट मैंने ये ब्लश लिया है एन वाई बे का और ये जो ब्लश है ना इसका जो शेड है दैट्स सो अमेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है सो so आपको इसे अपनी ब्रश में लेकर एक्सेस को रिमूव करना है एंड देन मैं अपने हाई चीक्स चीक बोन्स पर अप्लाई कर रही हूँ और एप्पल्स ऑफ माई चीक्स पर थोड़ा थोड़ा उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ एंड यू कैन सी द डिफरेंस मैं सिर्फ आप एप्पल्स ऑफ माई चीक्स में नहीं मैं अपने चीक बोन्स पर भी इसे अप्लाई कर रही हूँ जिसकी वजह से ना फेस पर वो जो लिफ्टिंग इफेक्ट है वो आता है इसी सेम ब्लश को मैंने अप्लाई किया है अपने आईलेट्स पर एज एन आई शेडो ये एक ट्रिक है आप एक ब्लश को एज ए आई शेडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं उससे आपका जो ओवरऑल लुक है ना वो काफ़ी नेचुरल दिखता है और एकदम बैलेंस दिखता है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस ब्लश इज़ इसका जो कलर है वो फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्ट रहेगा बट अगर आपकी डस्क की स्किन टोन है तो आप इसे हल्का सा अप्लाई करेंगे तो और खूबसूरत और नेचुरल दिखेगा सो so ये जो ब्लश है ये ऑल स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा जस्ट आपको इसे इस्तेमाल करने का जो ट्रिक है वो जानना है नेक्स्ट मैंने एन वाई का द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल लिया है और ये वीगन है लॉन्ग लास्टिंग है काफ़ी डार्क इसका पिगमेंटेशन है एक स्ट्रोक में एकदम जेट ब्लैक कलर देता है एंड दिस इज सो अफोर्डेबल तो इससे मैं एक स्मोकी काइंड ऑफ आई लुक क्रिएट करूँगी तो इसे मैंने अपने लैश लाइन के क्लोज अप्लाई किया है रफली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम इसे स्मोक uh, आउट करेंगे सो so, देन uh, मैंने ये वाला एक स्टिफ ब्रश लिया है जिससे मैं थोड़ा थोड़ा इसे स्मोक आउट करूंगी आपको इसे ना तुरंत स्मोक आउट करना स्टार्ट करना है स्मज करना स्टार्ट करना है बिकॉज थोड़ी देर बाद ये उतना ईजिली स्मज नहीं हो पाएगा फिर मैंने अपने लोअर लैश लाइन पर भी इसे थोड़ा आउट किया है क्योंकि अपर एंड लोअर लैश लाइन दोनों को बैलेंस करना है आपको देन मैंने एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड मैंने ओवरऑल इस लुक को ब्लेंड करने के लिए ना वो जो रेड आई शेडो जो ब्लश मैंने अप्लाई किया था उसके साथ ये ब्लैक आई काजल जो मैंने स्मोक आउट किया दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे और इसी तरीके से आप काजल का जो इंटेंसिटी है ब्लैक स्मोकी लुक का जो इंटेंसिटी है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं आप उसे अप्लाई कीजिए एंड देन इस तरह से उसे स्मोक आउट करके ब्लेंड आउट कीजिए तो इससे ना आपका जो लुक है वो ज़्यादा बोल्ड नहीं दिखेगा बट आप धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हैं अपने लुक को एंड देन वेन यू आर सेटिस्फाइड आप इस काजल को अपने वाटर लाइन को लाइन कीजिए काजल से मैंने अपना लोअर वाटर लाइन को भी इससे लाइन किया है और अपने अपर वाटर लाइन को भी लाइन करना है एक खूबसूरत सा काजल एंड कोल लुक के लिए और स्मोकी लुक के लिए तो ये है मेरा फाइनल लुक नेक्स्ट मैंने ये हाइलाइटर इस्तेमाल किया है ये है एन बे शाइन एंड शिमर हाइलाइटर मेरे पास ये दो शेड्स है एक है ब्राउन्स और दूसरा गोल्डन हाइलाइटर है ये वाला गोल्डन हाइलाइटर मैं अप्लाई करूँगी एंड ये भी बहुत अफोर्डेबल है बट द पिगमेंटेशन इज़ सो नाइस और एकदम चंकी ग्लिटर्स इसमें नहीं है एकदम स्मॉल पार्टिकल्स है जो कि नेचुरल लुक देता है एक फेस्टिव काइंड ऑफ लुक है इसमें एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस हाईलाइटर इज़ मैंने अपने चीक बोन्स पर इसे अप्लाई किया है और ब्रिज ऑफ द नोज टिप ऑफ द नोज पर इसे अप्लाई किया है आप चाहते हैं तो इसे अपने इनर कॉर्नर ऑफ आइज पर भी अप्लाई कर सकते हैं बट मैंने अप्लाई नहीं किया है एंड uh, मैंने एक हल्का सा न्यू लिपस्टिक अप्लाई किया है एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश्ड लुक मैंने साड़ी वेयर किया है और झुमका ऐड किया है एंड एक बिंदी ऐड की है दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो आई होप ये वाला मेकअप लुक आप सबको अच्छा लगा अगर आप इस मेकअप लुक को इस सरस्वती पूजा कैरी कर सक करना चाहते हैं देन डेफिनेटली पिक्चर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना ना भूलिएगा और ये मेकअप लुक आप सबको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स के लिए दट्स ऑल फॉर फॉर टुडेज वीडियो स्टेस टे हैप्पी एंड बाय